कोरोना के खिलाफ जंग में वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से दुनिया को महामारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन वैज्ञानिकों की इन्हीं कोशिशों से हासिल हो पाई है। अच्छी बात ये है कि वैक्सीन हासिल करने की दिशा में सारे क्लिनिकल ट्रायल को पूरा किया गया। अभी तक औसतन एक वैक्सीन को लोगों के बीच उपलब्ध कराने में 15 साल का समय लग जाता था। WHO के अनुसार एक सुरक्षित और असरदार वैक्सीन को बनाने में कठिन मेहनत लगती है। अच्छी बात ये है कि वैक्सीन 2021 के मध्य तक सबको मिल पाएगी। ऐसा करके दिखाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। आमतौर पर कुछ वैक्सीन को जरूरी अनुमति और लाइसेंस पाने में ही 4 साल का समय लग जाता है। हालांकि अब तक स्मॉल पॉक्स ही एक ऐसी बीमारी है जिसे वैक्सीनेशन के जरिए खत्म किया जा सका है। वैक्सीन राष्ट्रवाद और कोवैक्स का गठन। बता दें कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर से वित्तीय सहायता मिली। दुनिया भर से करोड़ों रुपयों की राशि वैक्सीन के ट्रायल पर खर्च की गई। जानकार तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी दे रहे हैं। कई देशों ने वैक्सीन के लिए प्री ऑर्डर भी दे दिए हैं। ज्यादातर विकासशील देश कोवैक्स पर निर्भर कर रहे हैं, जिसका काम जरूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। अभी 190 से ज्यादा देश कोवैक्स के सदस्य हैं। सदस्य देशों की 20% आबादी को वैक्सीन देने का काम ये संस्था करेगी। मॉडर्ना, फाइजर, ऑक्सफोर्ड ने किए वैक्सीन के ट्रायल। कोविड का जेनेटिक मालूम होने के कुछ ही समय में मॉडर्ना ने सबसे पहले इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। इसके बाद ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और बाद में फाइजर बायोएनटेक ने भी ट्रायल किए। कुछ महीनों में ट्रायल इस तरह किए गए पूरे। आमतौर पर कोई भी वैक्सीन लोगों को दिए जाने से पहले कई चरणों से होकर गुजरती है। शुरुआत में इसका जानवरों पर ट्रायल होता है, बाद में इंसानों पर इसकी शुरुआत होती है। हर चरण अपने आप में काफी समय लेता है। हालांकि कोविड वैक्सीन के मामले में कई चरणों को एक साथ ही पूरा किया गया। पहले चरण में 3 महीनों में इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ और देखा गया ये सुरक्षित है या नहीं। फिर इसके बाद बड़ी संख्या में कई समूहों में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कोरोना वैक्सीन बनाने के तीसरे चरण में हजारों लोगों को वैक्सीन देकर ट्रायल किया गया। इसके बाद कंपनियों ने संबंधित देश में लाइसेंस हासिल किया। कई देशों ने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की पहले ही इजाजत दे दी थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।